हेलो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.3। प्रश्न संख्या एक है, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए, क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं? तुल्य से मतलब होता है वे भिन्न जिनका मान एक समान हो, उसे हम तुल्य भिन्न कहेंगे। तो पहली आकृति के अंदर एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटा गया है। एक वृत्त है, इसके दो बराबर भाग किए गए हैं। आधे भाग को यानी दो में से एक भाग को छायांकित किया गया है, इसके अंदर रंग किया गया, कलर किया गया है इसको। तो इसके लिए भिन्न क्या हो जाएगी? छायांकित भागों के लिए भिन्न हो जाएगी एक भाग जो छायांकित है एक, और बटे कुल भाग एक दो। तो इसके लिए भिन्न हो जाएगी एक बटे दो, क्योंकि यहाँ पर छायांकित भाग एक है और कुल भाग है इसके दो, तो एक बटा दो भिन्न इसके लिए हो जाएगी। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट है, इस वृत्त को चार बराबर भागों में बांटा गया है, एक दो तीन चार, चार भाग किए गए हैं और इन चार में से दो भागों को छायांकित किया गया है। तो इसके लिए भिन्न हो जाएगी दो बटे चार, दो बटे चार। इसी प्रकार तीसरी आकृति में इस वृत्त को छह बराबर भागों में बांटा गया है, एक दो तीन चार पाँच छः, और इन छः भागों में से तीन भागों को छायांकित किया गया है। तो इसके लिए भिन्न हो जाएगी तीन बटे छः। इसी प्रकार इस आकृति में इस वृत्त को आठ बराबर भागों में बांटा गया है, आठ बराबर भाग किए गए हैं और इन आठ भागों में से चार भागों को छायांकित किया गया है। तो इसके लिए भिन्न हो जाएगी चार बटे आठ, यानी कि जितने भागों को छायांकित किया गया है वो, और बटे में कुल भाग, वो इसके लिए भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार बी पार्ट में इस आयत के अंदर 12 सर्कल, 12 वृत्त बनाए गए हैं और इन 12 वृत्तों के अंदर से चार वृत्तों को छायांकित किया गया है। तो छायांकित भागों के लिए भिन्न हो जाएगी चार बटे बारह, चार बटे बारह छायांकित भाग बटे कुल, छायांकित वृत्त बटे कुल वृत्त, तो चार बटे बारह। इसी प्रकार इस आकृति के अंदर, इस आयत के अंदर नौ वृत्त हैं एक समान, और इन नौ वृत्तों में से तीन वृत्तों को छायांकित किया गया है, तो भिन्न हो जाएगी तीन बटे नौ। इसी प्रकार इस आयत के अंदर छह वृत्त हैं कुल, उन छह वृत्तों में से दो वृत्तों को छायांकित किया गया है, तो भिन्न हो जाएगी दो बटे छः। इसके अंदर एक दो तीन, तीन एक समान वृत्त हैं और तीन वृत्तों में से एक वृत्त को छायांकित किया गया है, तो भिन्न होगी हमारी एक बटा तीन। इसी प्रकार इस आकृति के अंदर यहाँ पर हमारे पास 15 वृत्त हैं एक समान, कोई 15 वृत्तों में से एक दो तीन चार पाँच छः, छः वृत्तों को, इन 15 वृत्तों में से छः वृत्तों को छायांकित किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास भिन्न हो जाएगी 6/15, 6/15। अभी यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ये सभी जो भिन्न हैं क्या ये तुल्य हैं? तो ये सभी भिन्न क्या होंगी? तुल्य होंगी। कैसे? देखो, 1/2, 2/4 को हम सरलतम रूप में या न्यूनतम रूप में लिख सकते हैं, दो से काट करके 1/2, दो से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार 3/6 है, तीन से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार 4/8 को चार से भाग देंगे ऊपर नीचे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो सभी भिन्नों का मान क्या है? एक समान, 1/2। तो ये सभी भिन्न क्या हो जाएंगी? तुल्य। तो हम कह देंगे कि हाँ, ये सभी भिन्न क्या होंगी? तुल्य भिन्न होंगी। इसी प्रकार बी पार्ट में हमने प्रत्येक को छायांकित भागों को भिन्न के रूप में लिख लिया है, ये भिन्न हमारे पास होंगी। तो यहाँ पर इनको अमल करते हैं, सरलतम रूप में लिखते हैं इनको, तो ये आएगा 1/3, इसको तीन से काटेंगे, 1/3, इसको दो से भाग देंगे दोनों को, तो 1/3, ये हमारे पास पहले से 1/3 है, इसको भाग देंगे, ये कटेगा तीन से, 2/5।
तो यहाँ पर बच्चों देखो सभी बिन बराबर नहीं है, क्योंकि ये 2/5 के हैं, इन सभी से अलग हैं, तो सारी के सारे बिन एक समान नहीं हैं, तो ये हम कहेंगे कि तुल्य नहीं होंगी। तो ये बिन तुल्य नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये वाली जो बिन है ये 1/3 के बराबर नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, छायांकित भागों के लिए बिनों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य बिनों को चुनिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये आकृतियाँ दी हुई हैं, तो छायांकित जो भाग उसके लिए मैं यहाँ पर बिन को लिखना है पहले प्रश्न की तरह ही, और प्रत्येक पंक्ति में क्या बताना है कि तुल्य बिन कौन सी, उनको हमें छाँटना है कि कौन कौन सी बिन आपस में तुल्य हैं या उनके मान बराबर हैं। तो पहली आकृति देखिए, इसके अंदर इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, एक भाग ये और एक ये भाग ये 2 बराबर भाग हैं, और इनमें से एक भाग को छायांकित किया गया है, तो बिन हमारे पास हो जाएगी पहले की तरह ही 1/2, छायांकित भाग बटे कुल भाग 1/2। इसी प्रकार इस आकृति के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस आकृति के 6 बराबर भाग किए गए हैं और उनमें से 4 भागों को छायांकित किया गया है, तो भिन्न हो जाएगी 4/6। इसी प्रकार इस आकृति में 3 और 3, 6 और 3, 9, 9 बराबर भाग किए गए हैं और 9 भागों में से 3 भागों को छायांकित किया गया है, तो भिन्न हो जाएगी 3/9। इसी प्रकार इस आकृति में डी के अंदर यहाँ पर 8 भाग किए गए बराबर बराबर, और 8 भागों में से 2 भागों को छायांकित किया गया है, तो भिन्न हो जाएगी 2/8। इसी प्रकार आकृति ई के अंदर इस पूरे वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4, 4 बराबर भागों में और 3 भागों को छायांकित किया गया है, तो छायांकित भाग को दर्शाने वाली भिन्न हो जाएगी 3/4, छायांकित भाग बटे कुल भाग 3/4। इस आकृति में देखते हैं, फर्स्ट आकृति के अंदर यहाँ पर इस पूरे वर्ग को बांटा गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6, 12 और 6, 18, 18 बराबर भाग किए गए हैं, इन 18 बराबर भागों में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भागों को छायांकित किया गया है, तो छायांकित भागों को दर्शाने वाली भिन्न हो जाएगी 6/18, छायांकित भाग बटे कुल भाग 6/18। दूसरी आकृति के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बराबर भाग किए गए हैं और उन 8 भागों में से 4 भागों को छायांकित किया गया है, तो भिन्न हो जाएगी 4/8, 4/8, छायांकित भाग बटे कुल भाग। तीसरी आकृति के अंदर 1, 2, 3, 4 और 4, 8, 12 और 4, 16, 16 बराबर भाग किए गए हैं, उन 16 बराबर भागों में से 4 और 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12 भागों को छायांकित किया गया है, तो भिन्न हो जाएगी 12/16, 12/16। अगली आकृति के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6, 12, कुल 12 भाग किए गए हैं और 12 भागों में से 2, 4, 6, 8, 8 भागों को छायांकित किया गया है, तो भिन्न हो जाएगी हमारी 8/12, 8/12। पांचवी आकृति के अंदर 1, 2, 3, 4 और 4, 8 और 4, 12 और 4, 16, कुल 16 भाग किए गए हैं और 16 भागों में से 1, 2, 3, 4, 4 भागों को छायांकित किया गया है, तो भिन्न हो जाएगी छायांकित भाग बटे कुल भाग 4/16, 4/16। यहाँ पर मैंने प्रत्येक छायांकित भाग को बिन्नों के रूप में लिख लिया है, और इसी प्रकार नीचे वाले 5 भागों को छायांकित भाग के रूप में लिख लिया है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इन ऊपर वालों में और नीचे वालों में कौन सी बिन्नें आपस में तुल्य हैं, यानी किन का मान आपस में बराबर है। तो यहाँ पर देखिए, इनको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ऊपर वाले इनको दोबारा से लिख लेते हैं, 1/2, 4/6 को मैं लिख सकता हूँ काट करके 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3, 3/9 को सरलतम रूप में लिखने पर ये आ जाएगा 1/3, 3 से भाग देने पर। इसी प्रकार डी है,
दो बटा आठ, दो से भाग देंगे तो एक बटा चार, और फिर है 3/4। नीचे वाली जो है इनको दोबारा से लिखते हैं, 6/18 को लिखेंगे हम सरलतम रूप में, 6 से भाग देने पर 1/3, 4/8 को 1/2, 12/16 को 4 से भाग देंगे 3/4, 8/12 को 4 से भाग देंगे ऊपर नीचे तो 2/3, 2/3, फिर 4/16 इसको भाग देंगे ऊपर और नीचे 4 से 1/4। ये इसको मैंने सरलतम रूप में लिख लिया है। अब इनकी तुल्य भिन्नों को देखेंगे कि कौन कौन सी भिन्नें हैं वो तुल्य हैं, ऊपर वाली पंक्ति में और नीचे वाली के अंदर। तो यहाँ पर 1/2 और 1/2 ये आपस में तुल्य हैं। इसी प्रकार 2/3 और ये 2/3 आपस में तुल्य हैं। इसी प्रकार 1/4, 1/4 ये तुल्य भिन्न हैं। फिर 3/4 और 3/4 ये तुल्य भिन्न हो जाएंगी। फिर 1/3 और 1/3 ये हो जाएंगे। तो ये भिन्न आपस में क्या होंगी, तुल्य भिन्न होंगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जो ए है वो तुल्य है 2 के, बी तुल्य है 4 के, और सी जो तुल्य है वो है 1 के, डी है 5 के तुल्य, और ई जो भिन्न है वो तुल्य है 5 वाली, सॉरी 3 वाली भिन्न के।